हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स की। चैनल पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था पदस्थापित कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन के लिए कार्यमुक्त करने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने फिर से ये ऑर्डर जारी किया है कि प्रतिनियुक्ति पर जो भी कार्मिक है, कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगाए गए हैं, उन कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाए, उनको वहाँ भेज दिया जाए। तो इस ऑर्डर में मुख्य बात जो कही गई है, 29 जून का ही एक ऑर्डर है, जिसमें बात कही गई है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 नियम 144 का के तहत प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मचारी को छोड़ते हुए बिना सक्षम स्वीकृति के अन्य समस्त अधिकारी कार्मिक की कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया था। परंतु विभाग के यह ध्यान में आया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद भी कई अधिकारी कार्मिक अभी भी कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था अन्य कार्यालय विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, जो कि स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, उच्च अधिकारी विलांग की श्रेणी में आता है। अतः राज्य सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 7/6/2024 यानी कि 7 जून 2024 में 15वीं विधानसभा सप्तम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 5908 और शिक्षा द्वारा अमीर सिंहल बायल माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यरत अधिकारी व अन्य कर्मचारी चुनाव को छोड़कर सभी का डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अन्य जो भी कर्मचारी डेपुटेशन पे है, अन्य विभाग कार्मिकों में, जिसमें चुनाव को छोड़कर सभी प्रकार के डेपुटेशन निरस्त किया जाता है, इसके साथ जो शैक्षिक कार्यों में नहीं लगे हुए हैं तथा चुनाव के बाद यानी 6/6/2024 के तुरंत बाद सभी प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाती है। 6 जून के बाद सभी प्रकार की जो प्रतिनियुक्तियाँ हैं उनको निरस्त भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सचिव निदेशक के आदेश के बिना ही डेपुटेशन पर भी कही है तो उनका भी डेपुटेशन समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है अंडरलाइन करके कि सभी प्रकार के डेपुटेशन निरस्त की जाती है, जिसमें अन्य कर्मचारी जो है चुनाव को छोड़कर सभी का डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी निदेशक के आदेश के बिना भी डेपुटेशन जो है उनका भी डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। संभाग मुख्यालय पर भी बिना मंत्री की जानकारी के जो डेपुटेशन पर उनका भी डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी गई, ये पॉइंट आउट की गई है, वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि जो भी कार्मिक है, जैसे चुनाव के बाद यानी 6/6/2024 के बाद, इसके अतिरिक्त निदेशक माध्यम के आदेश के बिना डेपुटेशन उनका सभी डेपुटेशन समाप्त किया जाता है। साथ ही संभाग के मुख्यालय पर बिना मंत्री जी के जानकारी के डेपुटेशन के ऊपर उनका भी डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। कुल मिला के डेपुटेशन पूरी तरह से निरस्त किया गया है और इसमें से एक जो बात रखी गई, चुनाव कार्य को छोड़कर सभी प्रकार का डेपुटेशन निरस्त किया जाता है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए बाबत निर्देशित भी किया गया है। अब आगे बात करें तो इसमें जो सरकार ने निदेशक दी है, निदेशक IAS राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का ऑर्डर है कि राज्य सरकार के संदर्भ पत्र के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाती है कि उक्त विधानसभा प्रश्न के प्रत्युत्तर की पूर्ण पालना भी सुनिश्चित करते हुए बिना सक्षम स्वीकृति के अन्य कार्यालय विद्यालय में कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था कार्मिक प्रतिनिधि तुरंत प्रभाव समाप्त की जाती है। तो यहाँ पर निदेशक ने भी इसी ऑर्डर की बात करते हुए ऊपर जो बातें कही गई है, जैसा कि उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही है शिक्षा मंत्री के द्वारा डेपुटेशन सभी निरस्त कर दिए गए हैं, तो उसी की पालना में जो विधानसभा के प्रत्युत्तर की पालना की गई है उसी को ध्यान में रखते हुए बिना सक्षम स्वीकृति के, यानी आगे की जो भी स्वीकृति होती है, आजकल एक मॉड्यूल भी शुरू हो चुका है सालाधर में, उसके बिना अन्य कार्यालय विद्यालय कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगाए गए समस्त कार्मिक प्रतिनिधि तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। तो डेपुटेशन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और ये 29 जून का ही ऑर्डर है, जिसमें डेपुटेशन को लेकर ये बड़ी बातें कही गई है। तो डेपुटेशन एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था पदस्थापित कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन पर कार्यमुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं खबर, जिसमें नवीन मॉड्यूल अब शुरू हो चुका है, उसमें सक्षम अनुमति मिलती है, ऑर्डर जारी होता है, उसके पश्चात ही आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं। अब बात करें तो कोई भी सरकारी शिक्षक हैं, कार्मिक है, डेपुटेशन के लिए अगर जाना चाहता है तो या सरकारी शिक्षक डेपुटेशन या ड्यूटी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन जरूरी है, जैसा कि ये नवीन व्यवस्था शाला दर्पण पर शुरू की गई थी, तो जिसमें शिक्षा विभाग के जो भी सरकारी शिक्षक वगैरह है डेपुटेशन या ड्यूटी के लिए जो ऑफलाइन व्यवस्था थी, पहले जाते थे कार्य व्यवस्था के लिए, उसे बंद कर दिया गया। अब शिक्षकों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस नई व्यवस्था के बारे में शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार PO ब्लॉक जिला संभाग और राज्य स्तर कार्यालय शिक्षकों को परीक्षा परिणाम या प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेले, खेल गतिविधियां, चुनाव कार्य आदि की यात्रा यानी उद्देश्य से शिक्षकों को ड्यूटी अब जो भी है पहले ऑफलाइन होती थी, तो अब शाला दर्पण पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है उसके जरिए ही लगाई जाएगी। यह व्यवस्था नई लागू की गई है। कुल मिला के ये जो मॉड्यूल है इसमें क्या है, सरकारी जो भी टीचर है, शिक्षक है, वो अब ऑफलाइन नहीं जा पाएंगे, ऑनलाइन इस मॉड्यूल के जरिए
आपूर्ति होगी, ऑर्डर बनेंगे तभी जा पाएंगे। फिलहाल अन्य प्रकार की समस्त जो डेपुटेशन है, जैसा कि ऑर्डर बात कही गई है, उन्हें रद्द किया गया है।